उसके बाद जो आपको पेंशन मिलती थी वो पेंशन इतनी जमा हो गई कि आपकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन पैसों का क्या किया जाए। आपने बहुत सोचा विचारा और उसके बाद अपने ही गांव में उन पैसों से आपने एक विद्यालय बना दिया जो कि गरीब लोगों को समर्पित कर दिया। और मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि मानव सेवा को परम धर्म मानते हुए आपने अपनी आंखें तक दान देने का भी आपने निर्णय ले चुकी है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हमारे लिए प्रेरणा का विषय है कि जीवन में इतने महत्वपूर्ण दायित्वों के रहने के बाद भी आज भी आप बहुत साधारण जीवन व्यतीत करती हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि सादगी और सरलता की आप साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। आपने अपने ये संस्कार अपने संतानों को भी देने का काम किया है। आपकी सुपुत्री भी एक सामान्य नागरिक की तरह बैंक में कार्यरत है। मेरी अभिलाषा है कि आपके मार्गदर्शन और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में हमारा राष्ट्र पुनः विश्वगुरु बनने की अपनी यात्रा में इसी प्रकार गतिमान रहे और अपने गंतव्य तक शीघ्र पहुंचे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा संकल्प है वह संकल्प आपके मार्गदर्शन में हमारा पूर्ण हो। इसके साथ साथ भारत विश्वगुरु बनने की अपनी यात्रा में इसी प्रकार गतिमान रहे, अपने गंतव्य तक शीघ्र पहुंच सके। आज यहां आपके दिव्य हाथों द्वारा 2000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हो रहा है, वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम अपने आपके मार्गदर्शन व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार गतिमान है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, मुझे पूरा विश्वास है कि देश के प्रथम नागरिक के रूप में आप भारत नहीं वरन समस्त विश्व के सशक्त दृष्टि नव दृष्टि विचार का प्रत्यक्ष उदाहरण बनेंगी, क्योंकि आपके राष्ट्रपति के रूप में आपने जब से दायित्व संभाला तब से लेकर एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के मन में भी यह अभिलाषा, यह विश्वास, यह अपेक्षा आपने जगाने का काम किया है कि भारत के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति भी देश के प्रथम सीट पर आ सकता है, प्रथम नागरिक बन सकता है। इसी आशा एवं विश्वास के साथ आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, मैं एक बार पुनः देवभूमि आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आपका आगमन हमारे यहाँ बार बार होए और बार बार जब आप आएंगी तो निश्चित रूप से हमारा जैसे आज पूरा उत्सव का माहौल यहाँ से लेकर कल दो दिनों तक जो आपकी यात्रा है लगातार बना रहने वाला है। आज आप देहरादून में हैं, कल मसूरी में रहने वाली हैं, उसके बाद दून विश्वविद्यालय में भी कार्यक्रमों में आपने भाग लेना है, आपका मार्गदर्शन वहां भी मिलने वाला है। इसलिए पुनः एक बार आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए सभी का, आए हुए अतिथियों का, सभी का, मैं किसी का भी व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं ले सका, उच्चारण नहीं कर सका, क्योंकि इतने सारे अतिथिगण हैं कि महामहिम जी के, राष्ट्रपति जी के इस कार्यक्रम में बहुत सीमित क्योंकि एक उद्बोधन होना था, इसलिए आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए, हमारे बहुत बड़ी संख्या में मीडिया के लोग भी हैं, उन सभी का भी मैं अपनी तरफ से स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राज्यपाल जी से विनम्र अनुरोध है।